छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेसी नेताओं का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनमें महेंद्र कर्मा का दंतेवाड़ा में जबकि नंद कुमार पटेल का रायगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी के आने की संभावना है। उधर छत्तीसगढ़ के इस नक्सली हमले की जांच सरकार ने NIA से कराने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ हमले का मास्टरमाइंड कौन? नक्सली हमले के पीछे राजनीतिक साजिश, कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन? इन सवालों की जांच अब NIA करेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले पर राज्य की रमन सिंह सरकार ने भी मुहर लगा दी है। हमले के पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है, इसकी आशंका छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता पहले ही जाहिर कर चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे हमारी दल की टीम की पूरे रास्ते में कोई पुलिस वाला ना हो और एक साथ घिर के मार दिया जाए और पुलिस वालों को पता ना लगे, चाहे वो CRPF के जवान हो चाहे जिला पुलिस के जवान हो। उधर इस हमले में मारे गए कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और उदय मुदलियार का आज अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। महेंद्र कर्मा का अंतिम संस्कार दंतेवाड़ा में होगा, जबकि नंद कुमार पटेल का अंतिम संस्कार रायगढ़ के नंदेली गांव में होगा, जिसमें राहुल गांधी के आने की उम्मीद है। कल ही नंद कुमार पटेल का शव उनके गाँव लाया गया है। उदय मुदलियार का अंतिम संस्कार राजनंदन गाँव में होगा। उधर इस घटना के विरोध में आज कांग्रेस ने मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है, जबकि यूपी के सभी जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ता आज धरना देंगे। उधर इस हमले के बाद BJP ने आज से UPA के खिलाफ शुरू होने वाले अपने देशव्यापी आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। शनिवार को कांग्रेस के काफिले पर हुए हमले में नए खुलासे हो रहे हैं। IB से मिली जानकारी के मुताबिक हमले में नक्सलियों ने बाल संगम यानी बच्चों को हमले में शामिल किया था। कुछ लोग उसमें ऐसे भी जरूर शामिल हो जाते हैं जो कि कुंठित होते हैं, जो शायद सफल नहीं हो पाते अपने सामान्य जीवन में, और उसमें शामिल होकर के वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। दरभा घाटी के हमले के दौरान नक्सलियों का क्रूर और भयानक चेहरा भी सामने आया है। चश्मदीदों के मुताबिक महेंद्र कर्मा की हत्या के बाद नक्सलियों ने कर्मा के शव पर नाच गाकर उनकी मौत का जश्न मनाया था। मेरे ऊपर तुम आइडेंटिफाई करो, तो मैंने आइडेंटिफाई किया महेंद्र कर्मा जी है करके, तो फिर हम लोग उनकी बॉडी के ऊपर में। IB के मुताबिक हमले की प्लानिंग माओवादी कमांडर ओरसा ओसांडू ने की थी। वो 7 दिन पहले ही आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ आया था। इस हमले में छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुल 40 हार्डकोर नक्सली कमांडर शामिल हुए थे। नक्सली हमलावरों में 80 से 90 महिलाएं भी थी। इनके पास भारी मात्रा में IED, AK-47 और SLR जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। दिल्ली से मंजीत नेगी और रायपुर से अनुराग उपाध्याय के साथ आशीष पांडे, इंडिया TV, सुकमा।